घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। जी हाँ, पवन सिंह का ये सॉन्ग बहुत ही उम्दा है, बहुत ही बोल्ड है, बिंदास है। अमूमन पवन सिंह अपने विवादों पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन गाने के माध्यम से तो जवाब दे सकते हैं, जो कि भोजपुरी इंडस्ट्री में हमेशा से ट्रेंड रहा है। पवन सिंह अपने गाने के माध्यम से अक्षरा और खेसारी को जवाब दे सकते हैं। वाह रे, अक्षरा सिंह का ये गाना तो आपने सुना ही होगा, जो कि बताया जा रहा है कि पवन सिंह का नाम लिए बगैर ही पवन सिंह पर गाया गया है। अब ऐसे में अक्षरा सिंह को जवाब पवन सिंह तो दे नहीं सकते, तब पवन सिंह क्या करेंगे? पवन सिंह गाने के माध्यम से ही बताएंगे कि उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे अपने गाने के माध्यम से कुछ भी बोलिए। अब आते हैं खेसारी लाल यादव की तरफ। आपने देखा होगा कुछ रोज़ पहले खेसारी लाल यादव का एक गाना आया था, पवन सिंह रहे पेंडिंग में, खेसारी रहे ट्रेंडिंग में, कुछ ऐसा ही करके, जो कि गाने के बोल थे कि यार रहे ट्रेंडिंग में, बतार रहे पेंडिंग में, उसे उनके कुछ फैंस ने इस तरह बना दिया था। इन सारे जवाबों को जो लोग पवन सिंह को हल्के में ले रहे हैं, जो लोग पवन सिंह के लिए ये कहते हैं कि वो तो कोई जवाब ही नहीं देते, कुछ भी हो जाए उन्हें तो बोलना ही नहीं आता, वो मीडिया के सामने बोलते ही नहीं क्योंकि पवन सिंह गलत हैं, तो इन सब लोगों को पवन सिंह ये कहना चाहते हैं घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। पवन सिंह को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। ये सारी खामोशियों को जो पवन सिंह पर हमेशा एलिगेंस लगते रहते हैं कि वो बहुत शांत रहते हैं, चुप रहते हैं, नहीं बोलते अपने विवादों पर, तो उनका ये मुंहतोड़ जवाब है कि घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको बता दें, बड़े ही शानदार ढंग से ये वीडियो शूट हो रहा है, आप देख सकते हैं। ऐसे गेटअप में पवन सिंह को आपने कभी नहीं देखा होगा, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा गेटअप है, और ये सारा गेटअप उन पर काफ़ी फब भी रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो आइए इंतज़ार करते हैं कब रिलीज़ होगा, हम भी जल्दी बताएँगे।